जो मलिका मैं कह रही थी कि इस टेबल के ऊपर भी बहुत सारी चीजें, सारे ऑप्शंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन में जो सियासतदान है वो मंझे हुए सियासतदान है, तो उनका भी एक बयानात सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान के किसी भी फैसले, इकदाम और हुक्म की कोई हैसियत नहीं है, हर गैर आइनी कदम पर इमरान खान को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ये मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से आया, उस्मान खान है या अब्बास है हमारे साथ इस पर? ज़ुल्करैन को लेना था आपने, अब्बास शब्बीर, अब्बास वजीर आजम हाउस में स्पीकर साहब को तलब कर लिया गया, जरा इसकी डिटेल बताइएगा। जी अभी स्पीकर कौमी असेंबली गए हैं, बिल्कुल कुछ ही लम्हों पहले वजीर आजम हाउस, वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे। साथ साथ काबीना ने एक बहुत अहम मंजूरी दी है, बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि जो धमकी आमेज खत है वो अहम शख्सियात से शेयर करने की मंजूरी दी है। स्पीकर को बुलाया है, स्पीकर को अभी दिखाने जा रहे हैं वो खत, उसके बाद चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस से भी शेयर करने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। स्पीकर अंदर गए हैं, मुमकिन है कि चेयरमैन सेनेट भी कुछ लम्हों बाद यहाँ पर जाएंगे, और चीफ जस्टिस के हवाले से अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, वो ज़ुल्करैन बेहतर आपको बता सकते हैं, यहाँ पर अभी उनके आने की इतला नहीं है, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो पहुँच चुके हैं, उनसे ये मंजूरी दी गई है कैबिनेट ने कि भाई वो खत आज उनको शेयर किया जाए ताकि वो आगे जाकर उसको कौमी असेंबली के इजलास के अंदर और जिस तरीके से उन्होंने टैकल करना है इस मामले को वो कर सके।